शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को मार मार के रेल पुलिस ने हत्या कर दी। ये घटना है देगंगा भासलिया इलाके की। मृतक का नाम गौतम मंडल बताया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि गौतम बैरकपुर नीलगंज इलाके में किताब बेचने का काम करते थे। जिस समय फैनी तूफान आया था उस दिन काफी सारी ट्रेन बंद हो गई थी, तो इसके कारण गौतम घर वापस नहीं आ पाए थे। परंतु ये सब जब अवरोध खत्म हो गया, ट्रेनों की स्थिति सामान्य हो गई, तो गौतम एक ट्रेन पकड़ के घर आने के लिए आ ही रहे थे, तब पुलिस ने उसे पकड़ के मार पीटना शुरू कर दिया। किसी को भी नहीं पता कि पुलिस ने ऐसा काम क्यों किया। लॉकअप में पुलिस ने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि गौतम के घर पे गौतम की पत्नी और उसकी माँ रहती है। इन तीन जनों का संसार ही गौतम चला रहा था। इस घटना के बाद से पूरा घर और इलाका शोकमग्न हो गया है। वहीं रेल पुलिस के खिलाफ सारे इलाके वासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि जिस समय रेल अवरोध हुआ था उस समय काफी यात्री तोड़फोड़ कर रहे थे। इसी में से पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था। अब सच क्या है इसकी जांच अभी भी चल रही है। জিআরপি সুস্থভাবে কাজে গিয়েছিল, জিআরপি ধরে অমিত ভাবে ফিরেছে, এটা জিআরপি দোষ। ওকে সেদিন বারাসাত জিআরপি ওকে অ্যারেস্ট করেছে, ওকে অ্যারেস্ট করেছে শুক্রবার রাত থেকে। ও যখন বাড়িতে গিয়েছিল সুস্থ অবস্থায় গিয়েছিল, সুস্থ অবস্থায় গিয়েছে, মৃত হয়ে ফিরেছে বাড়ি।